नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं मौजूद हूं रीवा के उस अस्पताल में जिसका इतिहास 70 साल पुराना है। जी हां, मैं यहां पर गांधी मेमोरियल अस्पताल में मौजूद हूं जिसका नाम अब बदल के संजय गांधी अस्पताल कर दिया गया है। हमारे साथ नाक कान गला विभाग के HOD सुरेंद्र उपाची। सर, ब्लैक फंगस का जिस इस तरीके से प्रकोप बढ़ा हुआ है, ब्लैक फंगस को लेकर आज की क्या स्थिति है? आज जब हमारे संजय गांधी अस्पताल में आज के नाम तक 36 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 5 ICU में भर्ती गंभीर है और आज के नाम तक 11 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। और सर्जरी में देखा जाए तो 11 मरीजों के साइनस से नाक से सफल ऑपरेशन, साइनस का, ब्लैक फंगस का 11 ऑपरेशन हो चुके हैं। मैं अपने दर्शकों को समझाने के लिए यहाँ पर एक पीछे आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। सर, ये बताइए, इस चित्र के माध्यम से जरा दर्शकों को समझाइए कि क्या है ब्लैक फंगस। इसमें देखेंगे आप, ये हमारे मोस्ट का ये डायग्राम बना हुआ है, ये मोस्ट का डायग्राम और ये पूरा जोड़ियों का डायग्राम। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे साइनसिस है, साइनसिस में मोस्ट के फंगस में ब्लैक फंगस दिख सकता है और हमारे जो साइनसिस है, साइनसिस से जो जाता है और भी आँख में जाता है, तो ये अपना फ्रंटल साइनस है। ये हमारे साथ नाक कान गला विभाग के HOD सुरेंद्र उपाची, जिन्होंने बेहद आसान तरीके से ये बताया ब्लैक फंगस कहां और किस तरीके से हो सकता है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।